हेलो दोस्तों, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दोस्तों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है दोस्तों मोशन पिक्चर क्लिपों में बदलाव करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रिवाइव टाइप करते हैं तो इसे कौन अपने आप बदल देगा। दोस्तों दोस्तों जो ऑटो करेक्टर होता है वो इसे ऑटोमेटिक बदल देगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, मल्टीपल यूजर लाइसेंस यूज करने से दोस्तों एक ही सॉफ्टवेयर को एक से ज़्यादा लोगों का समूह है यूज कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत से पीसीज वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम्स के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है, तो उसे डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, उसे सर्वर कहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत से दोस्तों पीसीज और वर्कशीट वह अन्य कंप्यूटर को डाटा और प्रोग्राम्स का कलेक्शन होल्ड करता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो मूल्यों पर यह निर्भर होता है उनके बदलने पर बदलाव बदल जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, फील्ड्स, फील्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगर दोस्तों कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों।